नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट्स EL 204 के टॉपिक ब्रिज वेव रेक्टिफायर के वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ब्रिज वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम रेक्टिफायर का कैसा रहेगा, तो उसके लिए सबसे पहला होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन मीन्स सेकेंडरी में इसके नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की तुलना में कम रहेंगे। इसमें 4 डायोड होते हैं, डायोड D1, डायोड D2, डायोड D3 और डायोड D4। तो डायोड D1, D2, D3, D4, 4 डायोड एक ब्रिज की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इस रेक्टिफायर को एक ब्रिज रेक्टिफायर कहा जाता है। ये लोड रेजिस्टेंस RL जुड़ी हुई होती है, जिसके अक्रॉस में हम आउटपुट लेते हैं। ये लोड रेजिस्टेंस RL, इसके अक्रॉस में आउटपुट लेते हैं। ये AC सिग्नल इनपुट में दिया जाता है। ये है सर्किट डायग्राम ब्रिज रेक्टिफायर का। तो इसके जब वर्किंग पढ़ते हैं तो वर्किंग को दो हिस्सों में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल ऑफ इनपुट, कि इनपुट सिग्नल के धनात्मक चक्कर के दौरान हमारा सर्किट कैसे बिहेव करेगा। तो जब धनात्मक चक्कर आएगा तो ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग, ये डायोड D1 हमने बनाया, ये डायोड D2, डायोड D3 एंड D4 को दिखाया। ये हमारी लोड रेजिस्टेंस RL को दिखाए हैं और ये हमारे लोड रेजिस्टेंस RL यहाँ दिखाएंगे। तो जब धनात्मक चक्कर आएगा तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, यानी यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव पी टर्मिनल से कनेक्टेड है। डायोड D3 एन पॉजिटिव से कनेक्ट होने के कारण रिवर्स बायस। डायोड D2 पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जोड़ने के कारण रिवर्स बायस। और ये तो ये डायोड D2 रिवर्स बायस, ये डायोड D3 रिवर्स बायस और डायोड D1 फॉरवर्ड बायस और डायोड D4 फॉरवर्ड बायस। तो हमारे क्या होगी, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस रहेगा जिसके कारण शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। डायोड D2 रिवर्स बायस रहेगा जिसके कारण ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। डायोड D3 रिवर्स बायस रहेगा जिसके कारण ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा और डायोड D4 फॉरवर्ड बायस रहेगा जिसके कारण शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। तो यदि इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ करते हैं तो वो इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा कुछ इस प्रकार कि ये हमारी प्राइमरी, ये सेकेंडरी। तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस होने के कारण शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। डायोड D2 रिवर्स बायस होने के कारण ओपन सर्किट। डायोड D3 भी रिवर्स बायस होने के कारण ओपन सर्किट और डायोड D4 है वो फॉरवर्ड बायस होने के कारण। तो ये D1, D2, D3
और ये D4, तो ये जुड़ा होता है हमारा इससे, और ये लोड रेजिस्टेंस RL यहाँ जुड़ी हुई होती है। तो जब ये पॉजिटिव आ रहा था तो ये पॉजिटिव था, नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव हाफ जब हमने दिखाया था, तो एक धारा प्रवाहित होगी यहाँ से होते हुए डायोड D1 से होते हुए लोड रेजिस्टेंस RL का, यदि मैं सिरा A कहूँ ये B कहूँ, यहाँ से होते हुए यूं, फिर डायोड D4 में से होते हुए और बैटरी के नेगेटिव सिरा जो यहाँ आया हुआ था उसमें पहुँच जाएगी, तो इस धारा को नाम दिया है I1। तो हमें आउटपुट पर पॉजिटिव साइकिल के दौरान I1 करंट की वजह से आउटपुट मिलेगी, जो किस वजह से होगी, डायोड D1 ऑन है और डायोड D4 ऑन होने के कारण। यदि इसी प्रकार हम नेगेटिव साइकिल की यदि बात करते हैं तो ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल ऑफ इनपुट, तो ये यदि हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग को दिखाया हमने, ये डायोड D1, ये डायोड D2, ये डायोड D3 और ये डायोड D4। ये लोड रेजिस्टेंस RL जुड़ी हुई है हाँ। तो जब नेगेटिव साइकिल आता है तो ये नेगेटिव ऋणात्मक चक्कर, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो डायोड D1, ये D2 था, ये D3 था और ये D4 था। तो डायोड D1 P नेगेटिव से कनेक्ट होने के कारण क्या रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा। D3 नेगेटिव N से कनेक्ट होने के कारण फॉरवर्ड बायस रहेगा और D2 पॉजिटिव P से कनेक्ट होने के कारण फॉरवर्ड बायस रहेगा और D4 पॉजिटिव N से कनेक्ट होने के कारण रिवर्स बायस, यानी जो डायोड पॉजिटिव हाफ में रिवर्स बायस थी वो फॉरवर्ड बायस हो गए और जो फॉरवर्ड बायस थे वो रिवर्स बायस हो गए। तो अब इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट को यदि ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये हमारा डायोड D1 ओपन सर्किट, ये डायोड D2 रिवर्स फॉरवर्ड बायस होने के कारण शॉर्ट सर्किट, डायोड D3 फॉरवर्ड बायस होने के कारण शॉर्ट सर्किट और ये डायोड D4 ओपन सर्किट। ये D1, ये D4, ये D2 और ये D3। तो ये यहाँ और यहाँ से लोड रेजिस्टेंस RL यहाँ से जुड़ते हुए, तो ये जब बात कर रहे हैं हम ऋणात्मक चक्कर की नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ से करंट शुरू होगा पॉजिटिव टर्मिनल से, जो कि यहाँ से D2 से होते हुए लोड रेजिस्टेंस RL में यदि बात कर रहे हैं तो वो A से B के अक्रॉस होते हुए फिर यहाँ डायोड D3 से होते हुए और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के वहाँ पहुँच चुका है। तो ये धारा है, हमने क्या कहा है इसको, धारा को नाम दिया है I2। तो ऋणात्मक चक्कर के दौरान भी हमें एक आउटपुट प्राप्त हो रही है,
जो कि किसके कारण है, आई टू के प्रवाह के कारण, और इसमें क्या ऑन रहता है, डी टू ऑन रहता है और डी थ्री ऑन रहता है। तो यदि वेव फॉर्म की हमने वर्किंग पढ़ी कैसे क्या करता है काम, यदि वेव फॉर्म की बात करें, वेव फॉर्म को समझने के लिए पहले इनपुट को ड्रॉ करते हैं, दो साइकिल के लिए हम ड्रॉ करेंगे, ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इनपुट सिग्नल, ये पाई, टू पाई, थ्री पाई और फोर पाई। अभी ये ड्रॉ करते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल। तो पॉजिटिव साइकिल में इनको हम एक्सटेंड कर देते हैं नीचे तक। तो पॉजिटिव साइकिल में हमने कहा था कि धारा आई वन के कारण आउटपुट प्राप्त हो रही थी, तो पॉजिटिव साइकिल इनमें क्या ऑन था, डी वन ऑन था और डी फोर ऑन था, डी वन ऑन और डी फोर ऑन था, तो इसके कारण हमें आउटपुट मिल रही थी। इसी प्रकार जब नेगेटिव साइकिल की हमने देखा तो ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल जब हमने देखा तो हमें आउटपुट मिल रही थी धारा आई टू के कारण, यानी करंट आई टू के कारण, ये सेम आई वन के ही डायरेक्शन में होने के कारण ये जो आउटपुट की है ये दोनों की सेम रहेंगी। तो यहाँ कौन कौन से ऑन थे डायोड, यहाँ डी टू ऑन था और डी थ्री ऑन था, डी टू ऑन था और डी थ्री ऑन था, इसके कारण आउटपुट हमें प्राप्त हो रही थी। यदि ओवरऑल यदि वोल्ट आउटपुट की यदि बात की जाए तो टोटल आउटपुट की यदि बात करते हैं तो पॉजिटिव में भी हमें आउटपुट मिली है, नेगेटिव साइकिल में भी आउटपुट मिली है, पॉजिटिव में भी मिल रही है और नेगेटिव साइकिल में भी हमें आउटपुट मिल रही है। यहाँ डायोड डी वन ऑन और डी फोर ऑन, यहाँ डी टू ऑन और डी थ्री ऑन, यहाँ फिर से डी वन ऑन और डी फोर ऑन, यहाँ डी टू ऑन और यहाँ डी थ्री ऑन। तो ये हमारी जो आउटपुट की शेप यदि देखें तो एग्जैक्टली जो फुल वेव रेक्टिफायर की शेप थी उसके जैसी ही है। तो इसलिए हमें ब्रिज रेक्टिफायर में भी फुल वेव रेक्टिफायर के जैसे ही फुल साइकिल के लिए आउटपुट मिलती है, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर की कुछ एडवांटेज हैं जो इसके हम पैरामीटर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि क्या हैं इसके एडवांटेज। तो ये थी हमारे ब्रिज वेव रेक्टिफायर की वर्किंग। धन्यवाद।